बड़ी खुश लग रही हूँ। मैंने कल रात भर जाके इसका पता लगाया और उसे ले आया। क्या करें, मेरे अंदर एक पुलिस वाला तो छुपा हुआ है। चेक कर लो, सब ठीक है ना? हाँ तो दादी जान, अब मैं चलूं? ठीक है, पर बीच में आते जाते रहना। अरे गैस पर दूध चढ़ा हुआ है, अभी आती हूँ। तो मैं चलूं? ठीक है। मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम कर दिया, कुछ इनाम नहीं मिलेगा? मैं अभी कैश लेकर आती हूँ। कैश? तुम्हें मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ? कुछ और चाहिए। कुछ और? कुछ ऐसा जो अंदर से आता हो। अंदर से हाँ, ट्राइकोल आ जाएगा। अच्छा, सब जी, थैंक यू। लो, इतना ट्राई करने पर ये निकला? थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा था, अगले 6 महीने के लिए तो मेरा काम हो गया। बाय। स्कूटी को देखते उसका चेहरा देखने लायक था। वो भागती हुई आई और जोर से गले लगा और बस चूमती गई। तुझे चूमा? अरे स्कूटी को। ए, लेकिन लगा जैसे वो मुझे चूम रही थी। इतना नहीं, उसने प्यार से मेरा हाथ थामा और थैंक यू यूं बस कहती ही गई। आखिर कुछ तो बात आगे बढ़ी ना। आजकल एक रुमाल वापस देने पर लड़कियां आई लव यू बोलती है, लेकिन तूने तो इतनी बड़ी स्कूटी वापस कर दी। देख, वो यहाँ आएगी, तुझे गले लगाएगी और फिर आई लव यू कह देगी। मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। यार तेरी बात तो लगता है सच हो गई। अब वो तेरे पास आएगी और जाने का नाम नहीं लेगी। वो तेरे प्यार के समंदर में गोते लगाएगी। अबे शाने, उसे भाव मत दे, एटीट्यूड ला, बी डिफरेंट। बहुत अच्छे, भाव खा, उसे देखने का नहीं, पीछे मुड़ने का नहीं, जल्दी। बोलो ना। तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? मेरी परमिशन के लिए क्यों वेट कर रहा है, निकल। पता नहीं प्यार में कौन से झंडे गाड़ेगा। चलो चलो चलो, यहाँ बैठते हैं, यहाँ पर बैठ कर हम अकेले बात कर सकते हैं। बोलो। वो क्या है ना, मैं जानता हूँ ये मुश्किल होता है। एक लड़का बोले तो ठीक है, लेकिन एक लड़की बोले तो थोड़ा अजीब होता है। इसलिए तो पता नहीं कि शुरू कहाँ से करूँ। अब इसमें इतना क्या सोचना, जो बोलना है बोल दो। बोलो। वो मैं वो, इस तरह गोल गोल बात करने से कोई फायदा नहीं, सीधे पॉइंट पे आओ ना। वो क्या है ना, वो जो मेरी दोस्त है ना। हाँ तो उसको क्या हुआ? उसका नाम गीता है। हाँ अच्छा नाम है, तो मैं क्या करूँ, तुम प्लीज हमारी बात करो ना। वो ना बात कुछ बड़ी नहीं है, बस छोटी सी बात है, पर मेरी तरह उसकी स्कूटी भी चोरी हो गई है। बस 2 दिन पहले ही चोरी हुई है, तो मेरी तरह उसकी स्कूटी भी ढूंढ कर दो ना, जैसे मेरी ढूंढी थी। क्या उसकी स्कूटी ढूंढनी है? तुम्हें बस यही कहना था? इतनी देर से तुम यही कहने की कोशिश कर रही थी? ओए, दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? लड़की को घूरना बनकर नीचे देख, प्यार में इतना डूब गया कि नीचे फुहारा शुरू हो गया। सॉरी, पूरा ग्राउंड गीला कर दिया। मुझे लगा तुम्हें कुछ और कहना है। क्या सोचा और क्या हो गया? तुमने क्या सोचा था? हाय रवि। फ्रेंड है उमा। तो आ ही गई तुम्हारी एंजल हमारे कॉलेज में। एंजल? और नहीं तो क्या, तुम ही हो इसकी एंजल। ये दिन रात तुम्हारे सपने देखता है, हमेशा तुम्हारी बातें करता है, ये तुमसे प्यार करता है। प्यार? क्या हुआ, इसके खोपड़े में 12 क्यों बज गए? अरे ये पागल है। सॉरी रवि, मुझ पे भड़कना मत। भड़कू नहीं तो क्या करूं? अरे वो मुझसे मदद मांगने आई थी और तुमने उसको सब कुछ बता दिया। तुम तो कह रहे थे रास्ता साफ है। क्योंकि मुझे यकीन था कि वो पट जाएगी, और आज के बाद कोई चांस नहीं। रहने दो, मैं एक लड़की हूँ और उसकी फीलिंग्स को समझती हूँ। स्कूटी तो बहाना है, वो दरअसल तुमसे मिलने यहाँ पर आई थी। सच कह रही हो? यहाँ से निकलने से पहले वो पलट के तुम्हें जरूर देखेगी। पलटने का मतलब? अरे मतलब वो भी तुम्हें चाहती है। अच्छा, ये
समझ गए ना? सर कैसे हैं आप? उमा दो दिन से कॉलेज क्यों नहीं आई? वो अपने गांव गई है। गांव गई है? ऐसे अचानक क्यों? उसने कुछ बताया तक नहीं? कुछ अर्जेंट काम आ गया था। आपकी सारी गाड़ियां कहाँ चली गई सर? सर्विस के लिए भेजा है। अच्छा, तो आपने उसे सर्विस सेंटर भेजा है ना, तो मैं वहां से लेता हूँ। रहने दो, अब तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगी। क्यों सर, मैं तो अपनी पेमेंट टाइम पर देता हूँ। क्योंकि मैं ऑटो बेच रहा हूँ, इसलिए। बेच रहे हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पा रहा था। तुम्हें हर चीज बताना जरूरी है क्या? चलो जाओ यहाँ से। आप भले ही मुझे कुछ न बताएं, पर कुछ तो बात जरूर है, मैं पता लगा लूंगा। आपने तो कहा था कि उमा नहीं है, लेकिन वो तो यही है। नहीं गई है तो आप चली जाएगी, तुम्हें इससे क्या? अब खड़े खड़े भूख क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। एक बार उससे बात कर लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा। इतना नाराज मत होइए सर, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, मैं बस इससे एक मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। ये अचानक जाने का क्या मतलब है? तुमने फोन क्यों नहीं किया? उमा क्या बात है, क्या बात है, बताओ मुझे। क्या बताएगी वो? इस पागल को ये नहीं पता कि किससे क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। उमा मुझे बताओ क्या बात है, क्या बात है उमा? डोनेशन सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, डोनेशन सर प्लीज, गरीब बच्चों के लिए है, प्लीज। ओके ओके। कॉलेज स्टूडेंट? हाँ सर। ओह डोनेशन सर। तुम गाड़ियों के बारे में पूछ रहे थे ना, छिल्ला के आदमी सारी गाड़ियां उठा के ले गए, और अब कहते हैं गाड़ियां चाहिए तो उमा को भेज दो। बोलो, भेज दो इसे। आपने पुलिस को बताया? अभी अभी जो यहाँ से गया वो पुलिस वाला ही था। कंप्लेन लिखने के बजाय मुझे चुप रहने को कह के गया। वो चाहता है कि मैं छिल्ला की बात मान लूं और अपनी बेटी को वहाँ भेज दूं। मुझे दलाल समझता है वो। इसी दिन के लिए मैंने अपनी बेटी को पार पोस्ट कर बड़ा किया था। 40 साल से अच्छी तरह जिंदगी काट रहा था और अब सब कुछ बेच दिया। इसके लिए यही अच्छा होगा कि पढ़ाई छोड़ के गाँव चली जाए। एक बिन माँ की बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना कितना मुश्किल होता है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम्हें क्या पता। अब तो भगवान से भी भरोसा उठ गया है मेरा। यहाँ इतने जुल्म हो रहे हैं, फिर भी जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है। गाना गा रहे उसे। आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने। ये क्या कर रहे हो? अगर आज आपका बेटा होता तो वो भी यही करता। तुम्हारा ऑटो चाहिए। क्यों? बस चाहिए। लड़की के बाप ने लड़की को एक ऑटो ड्राइवर के साथ भेजा है। उसे चाबियां दे और लड़की को अंदर ले जा। Yeah.
एक बार तेरा किसी लड़की पे दिल आ जाए तो फिर उसे नहीं छोड़ता ना, और अगर लड़की नहीं आती तो उनकी गाड़ियां छीन लेता है ना। तूने उसके बाप को तो कह दिया, लेकिन उसके भाई से पूछा क्या?